इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, स्कूल का प्रोफेशनल आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में मैंने न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी जगह में। सबसे पहले यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर साइज ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। साइज ऑप्शन में यहाँ पर देखिए मोर पेज साइज, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने साइज कर देंगे 3.4, ठीक है। साइज ठीक से क्रिएट कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। 2.2 यही सेम साइज रखिएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, मैंने इसको पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में कर देना है, ठीक है। तो साइज कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। इसको लास्ट में कर देना है, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। मार्जिन में आना है, कस्टमाइज मार्जिन, यहाँ पर सबको जीरो कर देना है, ठीक है। जीरो यहाँ पर देखिए, इसको जीरो, इसको आपको दिखा देते तो आपको आसानी होगा बनाने के लिए। यहाँ पर भी जीरो, इसको भी जीरो, सारे जीरो करने के बाद ओके फिक्स में क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। फिर से देखिए सब में बॉर्डर हट चुका है, इसको भी थोड़ा चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए। इंसर्ट टैब के अंदर में यहाँ पर शेप्स में जाएंगे, यहाँ पर शेप्स ले लेंगे, बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स बनाना है, देखिए इस तरीके का शेप, ठीक है, बॉक्स ले लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, बॉक्स को थोड़ा सा छोटा लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इसका आउटलाइन हटा देंगे और इसका कलर ये रख देंगे। इसको पॉइंट में जाना है, एडिट पॉइंट, इसमें क्लिक करना है। ये बॉक्स है ना, ये चार जो है कोने में क्लिक करना है और यहाँ पर डॉट क्रिएट हो जाएगा। डॉट आने के बाद इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, कुछ ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। उसके बाद छोड़ देंगे और इसको पकड़ के चारों तरफ फैला देंगे, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर गोल एक शेप लेंगे मैंने और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाएंगे तो चारों तरफ सेम रहेगा एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका जो कलर है उसको चेंज करना है। फॉर्मेट टैब में आए हैं, इसके क्लिक कीजिएगा, इसमें फॉर्मेट टैब दिखाएगा, इसको पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है, इसका कलर वाइट कर देंगे। मैंने यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर्स ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लोगो ले लेंगे, यहाँ पर ये वाला लोगो मैंने सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और इसको इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, इसको करेंगे छोटा। इसका साइज को मैनेज करना है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, तो साइज फिक्स है तो हम इसको हटाएंगे और इसका जो बॉर्डर का कलर है बैकग्राउंड का उसको हटा देंगे। इसको मैंने नो आउटलाइन कर दी है, इसको मैंने इसमें फिक्स कर देंगे। देखिए आसानी से फिक्स हो गया, पहले से रेडी कर लिए मैंने इसलिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी हटा देंगे। इसमें जाना है, इसमें नो कर देना है, इसमें भी, इसमें सॉरी ए शेप आउटलाइन, इसमें भी नो आउटलाइन कर देना है। इसका कलर जो है वाइट वाइट रख देना है। तो इसमें लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे आइडेंटिटी कार्ड लिखे हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, ऐसा ही रहने देंगे। कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या करना है, एड्रेस, नेम एड्रेस देना है, स्कूल का नेम देना है। इसी को मैंने कॉपी करेंगे, जल्दी हो इसलिए इसको कॉपी पेस्ट। कॉपी करने के लिए इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर कॉपी कीजिएगा और इसमें पेस्ट, देखिए डबल हो गया है। इसको लाएंगे इसमें
इसका कलर पहले चेंज करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें ब्लैक मैंने यही कलर रख देते हैं सेम टू सेम, तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। इसमें लिखना है स्कूल का नाम। इस तरीके का लोगो कैसे बनाता है इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के इस तरीके का लोगो आप बना सकते हैं। यहाँ पर लिखना है स्कूल का नाम, ऑनलाइन कोर्स, कोर्स स्कूल, ऐसे ही मैंने नाम रख दिया, ऐसा कोई स्कूल है नहीं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखिए इसको और थोड़ा हटा देना है, इसको भी इसको नज़दीक में ले जाना है, इधर से भी थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर देंगे। इसका कलर आउटलाइन को हटा देना है और यहाँ पर शेप फिल में जाके यहाँ पर हल्का कलर देना है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा ऊंचा में देंगे मैंने। उसके बाद इसी को मैंने कॉपी कर लेते हैं तो लिखने में आसानी होगा, जल्दी होगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है उसको कम करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे स्कूल एड्रेस हियर एंड विद हियर एंड पिन कोड लिख देते हैं, पिन कोड दे देते हैं 1000, कुछ इस तरीके से पिन कोड दे दिए मैंने, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको मैंने, इसका जो है इसका साइज और छोटा करना पड़ेगा, तो ये ठीक है। इसका कलर ब्लैक करना है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब इसी को मैंने कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो यहाँ से मैंने इसमें मोबाइल नंबर इसमें मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है। मैंने ऐसे जस्ट दिखाने के लिए आपको, ठीक है, बना रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फ़ोटो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये मैंने फ़ोटो इस तरीके फ़ोटो ले लेते हैं, इसको इंसर्ट ऑप्शन में ऐसा ही आ जाएगा। तो आपको वार्प टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर इन फॉन्ट टेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर इसको नीचे लाइएगा, जहाँ ले जाइए वहाँ चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर सकते कुछ इस तरीके से दे दिए हैं। इसको मैंने कर देंगे कॉपी, इसमें पेस्ट, इसका बॉक्स जो है इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। इसका जो है हटा देंगे डिलीट, इसका बॉक्स छोटा कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम, स्क्वायर डॉट दे दिए। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस साइड में लाना है, इसको बोल्ड नहीं करना है, इसको बोल्ड नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसको बोल्ड हटा देते हैं। नेम के बाद यहाँ पर एक और एक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे नेम। तो ये नेम, ये लड़की का नेम जो है मैंने कोई भी एक लिख देते हैं, ONLIN ऑनलाइन कोर्स लिख देते हैं, ऑनलाइन कोर्स लिख दिए हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देना है, ऐसा ही साइज रहने देते हैं, एक साइज छोटा कर दे फिर भी ठीक है, नहीं तो सेम साइज रखेंगे। और इसका कलर को जो है चेंज कर देंगे, कलर थोड़ा कुछ मैच नहीं कर रहा है तो और डार्क करते हैं, ठीक है। ये कलर एकदम परफेक्ट है, चलिए ऐसा ही रहने देंगे। अब इसको थोड़ा सा नीचे करना है,
अब नेम वाला को कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लिखना है एफ नेम, एफ स्लैश नेम, फादर्स नेम हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट। फादर्स नेम मान लीजिए ये हो गया, यही सेम हो गया, फादर्स नेम मान लीजिए, ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहा है। फिर से मैंने इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, इसमें लिख देंगे क्लास, इसमें लिखना है क्लास, CLASS क्लास। क्लास के बाद क्लोन दे देना है। क्लास में क्या देना है, क्लास में नीचे में और एक दे देंगे, मैंने पहले इसको मैंने कॉपी कर लेते हैं, क्लास मैंने यहाँ पर फोर लिख देंगे। देखिए सारे कॉपी पेस्ट का काम है, ठीक है, एक बार बना लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जल्दी होगा, ठीक है। देखिए इसको मैंने इस तरीके से लगा देंगे कुछ, ठीक है। देखिए एडजस्ट हो गया है एकदम बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है, फ़ोटो को थोड़ा इस साइड में सटा देते हैं, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, DOB लिख देते हैं, DOT, ठीक है। इसके बाद इश्यू को कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ पर डेट डाल देना है, मैंने 00 कुछ भी डाल देंगे, 11 5002 इस तरीके से डाल दिए है। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको बड़ा करेंगे तो दिखाई देने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, तो इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट कहाँ से कर रहे हैं आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर होम टैब में यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखिए डबल हो गया, इसको नीचे रखते हैं, दूसरा कम यूज़ करेंगे इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, ये हो गया घर का एड्रेस, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको कॉपी भी, इसको मैंने यहाँ लाते हैं, देखिए इसमें स्कूल की जगह मैंने होम कर देंगे क्योंकि समझ में आया, HOME होम एड्रेस, घर का एड्रेस है। मोबाइल नंबर को भी यहाँ से कॉपी करते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर देना ज़रूरी है घर का। मोबाइल नंबर की जगह में एक थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख देंगे होम, घर का मोबाइल नंबर है, होम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेम जो लिखा है इसको एडिट करना है, यहाँ पर लिखेंगे इशू डेट, इशू डेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, इस साइड में ले जाना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, इसमें लिखना है वैलिड डेट, यहाँ पर वैलिड डेट का भी यहाँ पर फिक्स कर दिया, देख सकते हैं इस तरीके से फिक्स कर दिया है, ठीक है। नीचे में प्रिंसिपल का होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ रखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखा है, इसको थोड़ा सा इस साइड में नीचे करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। इसके लिए मैं करें, यहाँ पर पेंट ऑप्शन में जाएंगे,
यहाँ पर कोई प्रिंसिपल का सिग्नेचर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल का सिग्नेचर रेटी, इसको करते हैं क्रॉप, तो इसको क्रॉप करेंगे, इसको क्रॉप कर दिया, देखिए इसको कर देंगे सेव पीएनजी में, इसमें इसको करते हैं डेस्कटॉप में सेव, एस टू कर देते हैं, ठीक है एस टू करके सेव कर दिया है। अब इसमें हम जाएंगे पिक्चर ऑप्शन में, इसमें लिखेंगे एस टू, देखिए एस टू आ चुका है, इसमें ओके करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, इसको करेंगे इसमें वार इन फॉन्ट टेक्स्ट, इसको यहाँ से लेके आएंगे यहाँ नीचे, इसको करना है छोटा, इसको करेंगे नीचे, ठीक है कुछ इस तरीके से दे दिए हैं। प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी यहाँ पर वैलिड डेट के ऊपर में डेट लिखना है, तो इसको डेट कॉपी कर दिए हैं, ठीक है कार्ड एकदम प्रोफेशनली रेडी हो चुका है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।